घर की स्थिति तो ऐसी थी कि मैंने जब YouTube स्टार्ट किया तो मोबाइल में मेरे पास MI का फोन होता था, जो मेरे पास एक ही फोन था। अभी मैंने नेक्सॉन लिया टॉप मॉडल, जिसकी कीमत है लगभग 13.5 लाख रुपए। उसके अलावा मैंने एक बाइक ली है, अभी मिटियोर के नाम से आती है टॉप मॉडल, जिसकी कीमत है लगभग 2,70,000 रुपए। उसके अलावा मेरा ऑफिस बन रहा है, लगभग ये मान के चलिए कि 200-250 गज में बन रहा है ऑफिस प्लस हाउस मेरा। मेरे दोस्त, आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगी और बहुत कुछ सिखाएगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको कैसे यूट्यूबर से मिलाने वाला हूं, जिनके घर की हालत इतना ज्यादा खराब थी कि छोटी सी उम्र में ये फैक्ट्री में 250 रुपए में मजदूरी करना शुरू कर दिए थे। लेकिन आज इन्होंने अपने दम पर वो 250 रुपए से आज ये महीने के 4 लाख से ज्यादा पैसे कमाते हैं। मेरे दोस्त, आज इनकी कमाई और इनकी मोटिवेशनल स्टोरी देखकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि जब अगला बंदा कोई कर सकता है तो आप भी कर सकते हो, लेकिन कैसे, आज आपको यही पता होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप एक यूट्यूबर हैं और अगर आप भी ये मेहनत करते हो तो आपको मेहनत की कदर पता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आपका नाम क्या है, आपके चैनल का क्या नाम है और आप कहां से हो। रोहित जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, धन्यवाद बहुत, आपने अपने चैनल पे मुझे आने का मौका दिया। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। एक्चुअली मेरा नाम है गौरव भारद्वाज और मैं यूपी के बॉर्डर से, यानी कि एक छोटे से शहर सहारनपुर से बिलोंग करता हूं। और मेरे चैनल यूट्यूब पर टोटल 6 चैनल है, जिसमें से 5 मोनेटाइजर, जो मेरा मेन चैनल है उसका नाम है SBJ क्लासेस, और वहां पर 17.5 17.5 लाख सब्सक्राइबर है। और मैं पिछले 5 साल से यूट्यूब पे काम कर रहा हूं और हाल फिलहाल मैंने जो काम किया था वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन आज मेरा जो काम है वो एक प्रोफेशनल बेस पे चलता है, जिसमें मेरे साथ 5 लोग काम करते हैं, मेरा पूरा स्टूडियो है जहां से मैं समय शूट कर रहा हूं। लेकिन एक समय ऐसा था कि इनके पास मोबाइल खरीदने के भी पैसे नहीं थे और इन्होंने मोबाइल से ही पूरी की पूरी अपनी एम्पायर खड़ा किया है। आज पूरी टीम जो भी आज अर्निंग करते हैं, आज यूट्यूब के पैसे से बहुत कुछ इन्होंने अचीव भी किया है, आज सब कुछ आपको बताएंगे। और केवल स्टार्टिंग इन्होंने 0 से किया था, क्योंकि इनकी जो कंडीशन थी ना बहुत खराब थी। आज अभी आपको पूरा का पूरी कहानी बताएंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं इनकी कहानी के बारे में। तो सबसे पहले हम आपकी वो कहानी जानना चाहेंगे कि जब आप बचपन से आप सुने हैं कि किसी फैक्ट्री में आप काम करते, तो थोड़ा सा अपनी कहानी बताइए। जी, एक्चुअली मैं एक मिडिल क्लास नहीं लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर की गवर्नमेंट जॉब थी, लेकिन किसी रिश्तेदार की वजह से जॉब चली गई थी और वो डिप्रेशन में थे। और माता जी मेरी एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करती थी, जहाँ पर उस समय 200 रुपये महीना मिलते थे। और घर की स्थिति ऐसी थी कि मुझे काम करने की जरूरत थी। और जब मैं 11 साल का था, मैं 6th क्लास में पढ़ता था, तब मैंने पहले 250 रुपये के लिए मतलब काम किया था, एक फैक्ट्री में मजदूरी भी कह सकते हैं आप, क्योंकि वहाँ पे पानी पिलाने का काम और कुछ उठाने का रखने का ये काम किया करता था। लेकिन हर एक काम से मुझे मोटिवेशन मिलता था कि हाँ, ये मेरी मेहनत का काम है। और उसके बाद मैंने मार्केटिंग में भी काम किया है। जब मैं 8th 9th में था, यानी कि मैं 14 साल का था, तो मैंने कपड़े की दुकान पे भी काम किया, जहां पे मैंने पोछा भी मारा है, चाय पिलाई है, कभी चाय गिर जाती थी तो मैंने थप्पड़ भी खाए हैं। मार्केटिंग भी मैंने की है और 1 साल मैंने कोरियर में भी काम किया है। यहां तक कि मैं रोहित जी आपको बताऊं कि जब मैं 11th क्लास में था तो मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं उस समय फुल डे कॉलेज स्कूल अटेंड कर सकूं। तो मैंने अपने टीचर से बात करके 11th में फाइनल ईयर में मेडिकल लगाया था और मैंने नौकरी की थी। और 12th में फिर मैंने अपनी मेहनत से कॉलेज में 3rd प्लेस लिया था। और मैंने बस पढ़ाई को अपनी अहमियत दी और साथ में इस काम को अहमियत दी। और मैं आपको बताऊं, घर की स्थिति तो ऐसी थी कि मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया तो मोबाइल में मेरे पास MI का फोन होता था, जो मेरे पास एक ही फोन था, वो मैंने अपने काम से लिया था। बस मैंने कभी हार नहीं मानी और कॉमर्स से मैंने पढ़ाई की थी, तो मेरी एक स्कूल में भी जॉब लगी थी, वहां पे मैं क्लर्क था और कुछ पढ़ाता भी था बच्चों को, लेकिन वो जॉब भी मेरी चली गई थी। लेकिन हाल फिलहाल जॉब चली जाने के बाद मैं कभी टेंशन में नहीं आया। मुझे यूट्यूब के बारे में पता लगा तो मैं यूट्यूब पर वीडियोज देखता था कि कैसे हम कमाई कर सकते हैं, या मोटिवेशन की वीडियो में जाता देखता था। उस समय जब मुझे आइडिया आया कि हाँ, मैं भी गाइड करता हूँ बच्चों को, जब मैं ट्यूशन पढ़ाता था, तो मैंने वो स्टार्ट किया था। मैंने लगभग 2 साल तक, ये मानिए आपकी, मोबाइल से ही एडिटिंग की है, काइन मास्टर से क्रैक वर्जन डाउनलोड करके, और फोन से ही कुछ समय तक फोन से ही शूट किया है। और जब थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हुआ, मेरी 1 साल के बाद चैनल मोनेटाइज हुआ था। 1 साल में बिना मोनेटाइजेशन के मैंने काम किया था। और अगर काम के बारे में बताऊं तो मेरे एक ही कमरा, जिसमें
मैं और मेरी मैरिज तो हो ही गई थी, मेरी वाइफ रहते थे, और अभी की बात है मतलब मैंने अब तक भी उस एक कमरे से ही काम किया है, उसमें कोने में एक छोटी सी टेबल लगाकर वहां से काम किया करता था। और उससे पहले जब मैं, मेरे पास कुछ भी नहीं था, केवल एक फोन था, तो जो भी जगह मिलती थी, यहां तक कि घर की एक छत हुई या हमारे पास एक गार्डन पड़ता है, उस गार्डन में जाकर, या जिस स्कूल में मैं क्लर्क था उस स्कूल में संडे के दिन जब बच्चे नहीं होते थे तो वहां पे जाकर मैं रूम के बाहर या ग्राउंड में या कहीं पर भी जहां मुझे जगह मिलती थी मैं वहां पे जाके वीडियो बनाता था। अच्छा, जब आप वीडियो बनाना स्टार्ट किए थे तो घर वालों की तरफ से या फिर और मदर फैमिली प्रॉब्लम होती है ना कि यार इतने उम्र होने के बावजूद जब वीडियो बनाना शुरू कर दिए, तो ऐसे कुछ घर वालों की तरफ से खिलाफत हुआ? जी, घर वाले भी और रिश्तेदार भी, यहाँ तक कि मेरे दोस्त भी, जैसे मेरे चैनल का नाम है SBJ क्लासेस, तो मुझे उस नाम से ही बुलाते थे और उस नाम से ही चिढ़ाते थे। यहाँ तक कि जहां मैं जॉब करता था तो मुझे जॉब करने के साथ साथ जॉब में मुझे 8-9 हजार रुपये मिलते थे, उसके साथ में मैंने चैनल स्टार्ट किया था, फिर वहां भी मेरे 14-15 तक मैं पहुंच गया था सैलरी पे, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं था। तो मैंने चैनल बनाया तो मैं मोटिवेशन देता था, तो मुझे याद है मैंने एक बार PCS के ऊपर वीडियो बनाई थी कि कैसे हम क्रैक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैंने M.Com किया हुआ है, M.Com B.Ed किया हुआ है मैंने, तो मुझे एक वहां के टीचर ने मुझे मजाक उड़ा के कहा था कि पहले खुद तो निकाल लो एग्जाम जब दूसरों को समझाना, और मुझे बहुत चिढ़ाते थे। और आज वही लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमें अपने साथ लगा लो, हमें अपने साथ जोड़ लो। सही बात है, कहते हैं ना कि मैंने हर बार यही कहा हूं कि ये मैं हमेशा ही मेरी फेवरेट रही है कि ये जिंदगी का सफर है, यहां अकेले लड़नी पड़ती है लड़ाई, लेकिन हिस्सा मांगने सब आएंगे गुरु जब होगी फसल की कटाई। आपको कोई भी काम करोगे आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, यहां तक कि लोग कांटे चुभने वाले ही आएंगे और आपका मजाक उड़ाने वाले कोई बाहर के लोग नहीं आएंगे, कोई विदेश से नहीं आएगा, अपने ही हैं जो आपके गम में मरहम की जगह नमक डालते हैं, अपने ही हैं जब घर जल रहा होता है ना तब वही अपने घी डालते हैं। इसलिए आपको हमेशा खुद पे भरोसा रखना होगा। जैसे इन्होंने बताया कि ना कि सोचिए कहाँ थी कि घर की हालत ऐसी हो गई थी कि बचपन में ही 250 रुपये में मजदूरी करना शुरू कर दिए, लोगों को चाय पिलाना, पानी पिलाना। अब उस सिचुएशन से निकल कर इन्होंने अपने पढ़ाई को जारी रखा और पढ़ाई की जारी करते करते इन्होंने जॉब किया और जॉब से फिर यूट्यूब पे आए। और इनकी यूट्यूब के भी टर्निंग पॉइंट अभी आपको मैं बताता हूँ, इनकी यूट्यूब की टर्निंग पॉइंट क्या रही है। तो अच्छा, जब आप यूट्यूब स्टार्ट करते थे तो पहले आप मोटिवेशनल वीडियो बनाते थे, उसके बाद आप अभी ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, तो क्या रीजन है, आपने कंटेंट कैसे चेंज किया? एक्चुअली मैं ये समझिए कि 3 साल मैंने, 2.5 से 3 साल मैंने करियर गाइडेंस और कैसे हम अपना करियर बना सकते हैं या मोटिवेशन के ऊपर ही मैंने जनरली वीडियोस बनाई है। तो अर्निंग जब ये लॉकडाउन आया था तो उस समय सर क्या हुआ कि बच्चे पढ़ाई के बारे में कम सर्च करते थे तो व्यू एकदम से डाउन हो गए और उस समय चैनल पे रीच कम हो गई। और उसके बाद मुझे समझ में आया कि मैंने रिसर्च किया कि कौन सी नीच ऐसी है जहां पे इस समय काम चल रहा है, तो लॉकडाउन पे लोग बहुत सचेत करते थे कि पैसे कैसे कमाए क्योंकि लोगों की जॉब चली गई थी, लोग काम ढूंढ रहे थे, कोई पार्ट टाइम वर्क, फुल टाइम वर्क। उस समय मुझे भी थोड़े बहुत आइडियाज थे क्योंकि मैं भी पार्ट टाइम वर्क कर चुका हूं कई सारे, तो मैंने उस चीज को अप्लाई किया और मुझे लगा कि हाँ ये सही है और मैंने उसको स्टार्ट किया था। और उसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, आज यूट्यूब के साथ साथ मेरी 2 वेबसाइट भी है और मेरा 1 एप्लीकेशन भी है और उसके अलावा हम और प्लेटफॉर्म पर भी काम करते हैं। और ये सब बदौलत है कि मैंने उस चीज पर रिसर्च की और बहुत सारी वीडियोस देखी और यूट्यूब से ही सीखा और यूट्यूब से ही कमाना स्टार्ट किया। अच्छा, अभी आपने यूट्यूब के पैसे से क्या क्या अचीव किया है, क्या क्या मतलब हासिल किया यूट्यूब के पैसे से? हाँ, बेसिकली मैं आपको बताया कि मेरे यूट्यूब के साथ साथ और भी काम है, जैसे वेबसाइट से मैं यूट्यूब से ही सीख के मैंने वेबसाइट बनाई थी, खुद अपना ब्लॉग बनाया था, 2 ब्लॉग मेरे चल रहे हैं जो मैंने खुद बनाए हैं सर, वो भी यूट्यूब से सीख सीख के, किसी डेवलपर की हेल्प भी नहीं ली। और उसके अलावा मेरे कुछ और प्लेटफॉर्म भी हैं, बाकी कुछ आपको पता ही है, कुछ जो कोलैबोरेशन आते हैं, जो प्रोमोशंस आते हैं, तो उन सबसे जोड़ के मैंने अब तक, एक टाइम था मेरे पास साइकिल भी नहीं थी और जब मैंने साइकिल ली थी तो मेरी उठ जाती थी साइकिल, कहीं ट्यूशन पढ़ने गए वहां से उठ गई। अभी मैंने नेक्सॉन ली है टॉप मॉडल जिसकी कीमत है लगभग 13.5 लाख रुपये। उसके अलावा मैंने एक बाइक ली है अभी मिटियोर के नाम से आती है टॉप मॉडल जिसकी कीमत है लगभग 2,70,000 रुपये। उसके अलावा मेरा ऑफिस बन रहा है लगभग, ये मान के चलिए कि 200-250 गज में बन रहा है ऑफिस प्लस हाउस मेरा, क्योंकि अभी तो हम छोटे से घर में रहते थे तो वो भी मैं अपने शहर के पोश इलाके में बना रहा हूँ, तो कंपैरिजन कर लीजिएगा। तो कुल मिला के ये है कि
कोई टेंशन नहीं। उसके अलावा कुछ और, जैसे जहां मेरी गाड़ी खड़ी होती है वो गैराज मैंने बनाया है, तो वो सब चीजें मैंने यूट्यूब और इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से किया है। अच्छा, ऑनलाइन अर्निंग और यूट्यूब को लेकर कितने साल में आपने जीरो से और यहां तक के सफर को तय करने में आपको कितना साल लगा? सर मैंने बेसिकली ये मान के चलिए कि 2017 में मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन 17 में मैंने सही से मेहनत नहीं की थी क्योंकि कम वीडियो बनाता था, क्योंकि मेरे पास सोर्स नहीं थे, केवल एक मोबाइल था और मुझे कुछ भी नहीं पता था क्योंकि वीडियो बनाता था व्यू नहीं आते थे। लेकिन 2018 से मैंने काम किया है सर, तो ये पांचवा साल चल रहा है जब मैं रेगुलर इस पे काम कर रहा हूँ। और आपको एक बात और बताऊं कि मैंने ना मेरे साले की शादी थी, मैंने उस दिन भी वीडियो बनाई। मेरी वाइफ से कभी मेरा झगड़ा हो जाता है, मैं उस दिन भी वीडियो बनाता हूँ। मेरी तबीयत खराब होती है, मैं तब भी एडजस्ट करके, ऐसा कोई दिन नहीं जाता 365 दिन में जिस दिन मेरी वीडियो ना आती हो। ये मेरा नियम है सर, और रेगुलर मैं काम करता हूँ चाहे सिचुएशन कोई भी। सही बात है, क्योंकि जब YouTube पे आप रेगुलर देते हो, अपने आप को देते हो, तब YouTube भी आपकी वीडियो को बूस्ट करता है। यहाँ पर रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इनकी मंथली इनकम कितनी है, अभी ये भी आपको आगे चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे ये, और आप भी कैसे अर्निंग कर सकते हो, इन सब के बारे में भी टिप्स भी देंगे। तो अच्छा जनाब, सबको ये बताइए कि आपके नज़र में यूट्यूबर को स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए, कैसे अपने चैनल को ग्रो करना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग जब व्यूज नहीं आता तो लोग वहीं पर हार मान जाते हैं। अभी मैं एक टिप्स देना चाहूंगा जो नए यूट्यूबर हैं जो आना चाहते हैं यूट्यूब की फील्ड में। सबसे पहली चीज है कि किसी को देख के मत स्टार्ट करो कि हम लोग वो बंदा उठ गया इस नीच से तो चलो मैं भी उस पर वीडियो बना लेता हूँ। सबके अपने अपने वो है, जैसे रोहित सर है, इनका जो वॉइस है, जो बोलने का ढंग है, वो एक मोटिवेशन स्पीकर का है ऑलरेडी। मतलब मैं कहूँ कि ये तो बोर्न मोटिवेशन स्पीकर है, इनको जरूरत नहीं है सीखने की, इनकी जो आवाज है वो दमदार है। तो ये चीज जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसको आप कर सकते हो, क्योंकि दो वीडियो चार वीडियो बनाने से काम नहीं चलेगा, वीडियो बनानी पड़ेगी रेगुलर कंटिन्यू 50, 100, 500, 1000। तो वो वीडियोस उस टॉपिक पर बनाइए जिस पर आप कंफर्टेबल हो, जिस पर आप आसानी से बोल सकें, आसानी से वीडियो बना सकें। एक चीज। नंबर दो, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है कि आपको नया चैनल है और आपको डिमोरलाइज बहुत करेंगे, आपके आसपास वाले कहेंगे तेरी वीडियो में जान नहीं है, तेरी वीडियो में मजा नहीं है, आवाज अच्छी नहीं आ रही, क्वालिटी अच्छी नहीं है। कोई टेंशन मत लो, आप अपने कंटेंट पर ध्यान दो। वीक में चाहे एक वीडियो डालो, लेकिन हर वीक डालो, दिन में चाहे एक डालो, हर दिन डालो, एक कंटिन्यूटी बनाकर। और तीसरा, सीखते रहो, क्योंकि यूट्यूब पर बिना सीखे आप काम करोगे तो आप जो है कुछ दिन बाद ठंडे पड़ जाओगे। कोशिश करो कि और यूट्यूबर से सीखो, वो क्या गलती कर रहे हैं, क्या अच्छा काम कर रहे हैं, और वहां से आप अपना फ्लो करो और वेट करो कि कैसे मैं बूस्ट कर पाऊं। क्योंकि एक वीडियो चाहिए सर वायरल होने के लिए, आपकी 50 वीडियो फेल हो जाएंगी, लेकिन अगर आपकी 51वीं वीडियो चल गई तो वो आपकी पिछली 50 वीडियो को भी और आपको भी कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। बात आपने बहुत सही कहा ये आपने, क्योंकि देखिए यूट्यूबर की लाइफ कब बदल जाएगी वो किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं पता सर। क्या पता वो आज एक वीडियो अपलोड करके सो गया, उसके चैनल पे 10 सब्सक्राइबर, हो सकता है कि वो सुबह उठते उठते उसके चैनल पे 50,000 सब्सक्राइबर हो जाए। बिल्कुल सर। और जो आपने बताया कि स्टार्टिंग के दिन में लोग आपका वीडियो का ही मजाक उड़ाते हैं, हाँ तो यही ये आपने रियलिटी बताया कि स्टार्टिंग दिन में जब आप वीडियो बनाते हो तो जिस दोस्त के पास आप अपना समझ के भेजोगे कि भाई मैंने वीडियो बनाया, मुझे सपोर्ट करो, मेरी वीडियो को देखो, वही अनसब्सक्राइब करके रखता है आपको। शेयर मत करो किसी को शेयर मत करो, अपने रिलेटिव को बिल्कुल भी मत करो, वो डिमोटिवेट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। सही बात है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, मंजिल से मुंह ना मोड़ो मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी आएगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसलिए आपको हौसला रखना होगा, जब आपको अपने आप पे भरोसा नहीं होगा तो दुनिया क्या पे भरोसा करेगी। जिस चीज के लिए आप सपने देखते हो उस चीज के लिए लड़ना सीखो, उसके लिए आपको ही लड़ना पड़ेगा। जब आप कोई गलत काम करते हो, एग्जाम्पल में कोई लोग अगर देखता हूं सिगरेट पीना की आदत जो बना लेते हैं, वो सिगरेट तो स्टार्ट कर देते हैं लेकिन उसके लिए अपना जुगाड़ ढूंढ लेते हैं, कहीं छुप के पियेंगे, उनको पीना है कहीं भी पियेंगे, वो कहीं भी बहाने बना के सिगरेट पीना ही पीना है। अगर गलत चीजों में आप लोग ऐसी आदत बना सकते हो तो क्यों ना आप सही चीजों पे इस आदत को पकड़ा लो कि भाई मुझे करना है तो करना है, अगर मुझे वीडियो बनाना है, अगर मैं छुपकर सिगरेट पी सकता हूं तो छुपकर मैं वीडियो भी बना सकता हूं, अगर मैं लोगों से झूठ बोल के सिगरेट पी सकता हूं, कोई गलत काम कर सकता हूं, तो लोगों को बिना बताए मैं वीडियो बनाकर लाखों में सब्सक्राइबर इकट्ठा कर सकता हूं, तब दुनिया को बताओ कि अब मैंने क्या बनाया। और इन्होंने जो बताया, आप इनकी कहानी मैं इसलिए आपको सुना रहा हूं
कि सोचिए कि जिनके पास कुछ नहीं था, आज 14 लाख रुपए की कार, जो कभी एक मोबाइल खरीदने का पैसा नहीं था, आज 2.5 लाख रुपए की इनकी बाइक है, आज इनका खुद एक टीम है। सर मेरे ऑफिस का ही सारा सिस्टम जो है, मैंने 3 लाख रुपए का टीवी लगाया हुआ है जिस पर मैं शूट करता हूँ, पैनल जिसको हम बोलते हैं, 3 DSLR कैमरे हैं, 5 कंप्यूटर हैं और 5 लोग की टीम है जो सारे लोग काम करते हैं मिलाकर। ये ना कि सब कुछ ये यूट्यूब के पैसे से ही। अच्छा आप हमको आप ये बताइए कि आप जो ये कंटेंट आप लेते हो, एग्जांपल में आपका सबसे फेमस वाला कंटेंट है ऑनलाइन अर्निंग वाला, जी तो वो कंटेंट आप लेते कहाँ से हो? मतलब गूगल से सर्च करते हो या फिर कहीं अदर चीजों से आप लेते हो? मान लीजिए कोई अगर आपके जैसे वीडियो बनाना चाहे, ठीक है, तो वो स्टार्टिंग कहाँ से स्टार्ट कर सकता है आपके जैसे कंटेंट बनाने के लिए? उसके साथ 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि गूगल ट्रेंड्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर अर्निंग की फील्ड है तो वहाँ वीडियो नहीं मिलेगी। तो यूट्यूब ही सबसे बढ़िया सोर्स है कि आप यूट्यूब पे जाके सर्च करें और देखें कि अर्निंग की कौन सी वीडियोज है। और सबसे अच्छा आसान तरीका है कि आप अगर किसी वीडियो को देख रहे हैं कि उस पर व्यू लाखों में आए हैं, तो ये चेक कर लें कि उसके जो ऑनर है, जो उसका चैनल है, उस चैनल पे सब्सक्राइबर कितने हैं। मान लीजिए किसी चैनल पे 2000 ही सब्सक्राइबर है, लेकिन उसकी उस वीडियो पे 2 लाख व्यू आए, इट मीन्स कि वो वीडियो वायरल होने वाली है, तो आप उस टॉपिक पर अपनी वीडियो बना सकते हैं। यही सबसे बढ़िया तरीका है। अब हम लोग क्या करते हैं, किसी वीडियो को देखते हैं, अरे यार इस पे 1 लाख व्यू आए, इस पे मैं बनाता हूँ, लेकिन ये नहीं देखते कि उसके सब्सक्राइबर तो 1 मिलियन है, उसके 1 लाख तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन अगर किसी के सब्सक्राइबर बहुत कम है लेकिन व्यू बहुत अच्छे आ रहे हैं, इट मीन्स वो टॉपिक ट्रेंडेबल है, उसका यूज करना चाहिए। बाकी ये सब होता है सर, बाकी धीरे धीरे हम करते रहेंगे तो पता लगता रहेगा। सही बात है, एवरेज व्यूज अगर ज्यादा व्यूज जा रहा है तो समझ लो उसमें ऑडियंस ज्यादा इंटरेस्ट लगती है। बिल्कुल, उसमें आप बनाइए, चलेगा। आप पकड़ते हो तो आपको भी ऑडियंस आपकी वीडियो दिखेगी। जी बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बात बताई। अच्छा आप जरा सा हमको ये बताइए कि अभी आपका चारों तरफ की जो अर्निंग है, अगर आप राउंड फिगर में बताना चाहें एज ए मोटिवेशन के तौर पर, तो आपको राउंड फिगर में कितनी अर्निंग हो जाती होगी महीने का? सर ऐसे तो अमाउंट नहीं बता सकता, लेकिन हाँ ये कह सकता हूँ कि मैं छोटी मोटी जो कार आती है हर महीने ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि उतना ज्यादा अर्निंग? हाँ कर लेता हूँ, क्योंकि खाली यूट्यूब नहीं, हम और भी, यूट्यूब से ही जुड़ा है सब कुछ। YouTube से हमने वेबसाइट जोड़ी, YouTube से हमने और प्लेटफॉर्म जोड़े, तो वो सब जोड़ के ही हो पाता है। सही बात है, तो भाई लोग देख पा रहे होंगे आप लोग कि अगर आप जिंदगी में हासिल करना चाहो तो यार क्या कुछ नहीं कर सकते, और अगर कुछ नहीं करना चाहते तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड है। ये दशरथ मांझी एक अकेला बंदा पूरे पहाड़ को ही निगल गया, हथौड़ी चीनी से मार मार के खत्म कर दिया, तो आप लोग अकेला अपनी जिंदगी को बनाने के लिए क्या गांव वालों को इकट्ठा करोगे, क्या मोहल्ले को इकट्ठा करोगे, क्या अपनी जिंदगी बनाने के लिए? अरे तुम्हारी खुद की अकेली जिंदगी है, खुद बनवाओ यार, दूसरों को क्यों पूछें? अगला बंदा मेरे बारे में क्या बात करता है उसके बारे में हम क्यों बात करें? आज लोग इनकी नोट को देखते हैं, आज इनकी महीने की बताया ना इन्होंने कि एक छोटी सी कार, छोटी मोटी कार ये हर महीने खरीद सकते हैं, आज लोग इनकी कार देखते हैं, लेकिन इनके पैरों की जो छाले हैं वो भी देखिए और उनसे भी सीखिए। ये आप सब कुछ कर पाएंगे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इतना कीमती समय आप हमारी ऑडियंस को दिए, और जाते जाते हमारी ऑडियंस को कुछ एक्स्ट्रा टिप्स दे सकते हैं आप कुछ? हाँ मैं दे सकता हूँ सर। देखो दो तरह की, जी दो तरह के आपके ऑडियंस होंगी, एक तो वो जो ऑनलाइन कमाना चाहते हैं, एक वो जो YouTube से ही कमाना चाहते हैं। तो पहले जो लोग ऑनलाइन कमाना चाहते हैं उनको मैं ये कहूंगा कि ऑनलाइन बहुत सारे तरीके, हमारा चैनल SBJ क्लासेस पर हम रेगुलर वीडियोस डालते हैं, तो वहां पे भी कमेंट आते हैं सर मैंने कुछ नहीं कमाया, मैं ऑनलाइन कमा नहीं पा रहा हूं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। अब मान लीजिए मैंने कोई तरीका बताया कि इस वेबसाइट पर आप विजिट करोगे, साइन अप करोगे, टाइम दोगे, यहाँ पे एक ट्रायल है वो पास कर लोगे तो आपको काम मिलेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, वहां पे अप्लाई करते हैं, देखते हैं तो कुछ भी नहीं है। तो याद रखें ऑनलाइन काम लेने वाले, आप सोचिए काम कम है करने वाले ज्यादा है, 1 अनार 100 बीमार, समझ रहे हो ना? इसलिए आपको मल्टीपल वीडियोस देख के उन्हें अप्लाई कर देना है, और किसी एक मेथड के ऊपर ही अप्लाई करें। अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन मान लीजिए अर्निंग ऐप से कमाना, तो अर्निंग ऐप मल्टीपल डाउनलोड करो अपने फोन में, उन्हें रेफर करने की ट्रिक देखते रहो। एफिलेट से कमाना चाहते हो तो एफिलेट के लिए आपको मल्टीपल सोर्स देखने पड़ेंगे, कहां कहां मैं शेयर कर सकता हूं, और आपका एक एफिलेट काम करेगा, ऐसा नहीं कि आपने बार बार 2-4 बार शेयर किया कुछ भी नहीं हुआ, हम हाथ हार के बैठ गए। मैंने अभी कहा कि 1 साल तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ था। अब जो लोग यूट्यूबर हैं उनके लिए भी मैं ये कहूंगा
कि आपको बस केवल एक वीडियो चाहिए, आप मेहनत करते रहो, आपकी 20 वीडियो हो जाए, 50 हो जाए, 100 हो जाए। और ये मत देखो, कुछ लोग मैं सोचता हूँ कि चैनल स्टार्ट करते हैं, देखते यार मैंने कौन सी नीश चुन ली। आपका जो भी काम है उस काम की कदर करो, इज्जत करो और उसे दिल से बेस्ट करने की कोशिश करो। ठीक है दोस्तों, बाकी कोई इशू नहीं है, आप लोग बढ़िया तरीके से अर्न कर पाओगे। और जो लोग रोहित सर का नाम लेके कि मैं सर के चैनल से आया हूँ कमेंट भी करेंगे ना, उनको मैं पर्सनली गाइड करूंगा इंस्टाग्राम पे भी कैसे भी कि कैसे आप अर्निंग कर सकते हैं एनी टाइम सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, एंड आपने हमारी ऑडियंस को बहुत कुछ सिखाया। आई होप आप लोगों ने इनकी बातों को फॉलो करोगे तो जिंदगी में, यार देखो हम लोग दूसरों के एक्सपीरियंस से, दूसरों की फेलियर से सीख कर ही हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमको जहर की कीमत पता है कि हाँ यार जहर खाने से लोग मरते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप जहर खा लो पता करो कि भैया मरेंगे कि नहीं मरेंगे। जो अगला बंदा खाया है उससे सीख लो। तो ठीक यही सब चीजें हैं जिंदगी में, अगर सफल बनना है तो हमको दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना ही पड़ेगा। कहते हैं ना कि दिए से दिया जलता है, तो ज्ञान से ही ज्ञान बढ़ता है। बाकी आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फिर मिलते हैं वीडियो में। चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बहुत बहुत